तो फाइनली फूडी वी की हो चुकी है 7 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली। तो जिस दिन से सब्सक्राइब किया है उनको बहुत ज्यादा थैंक यू, और जिस जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हेलो फूडी, फूडी वी में तो गाइस हमेशा की तरह लेके आ गए कुछ होगा कुछ अद्भुत कुछ अविश्वसनीय। गाइस आपने हमारी पिछली 60 मिनट फूड चैलेंज वाली वीडियो को दिया खूब सारा प्यार, वाह, अब एक और लेके आ गए 60 मिनट फूड चैलेंज। तो इस बार हम रंगों के साथ नहीं खेलेंगे, इस बार हम खेलेंगे इंग्रेडिएंट्स के साथ। हां हां, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आपको समझा देते हैं इस चैलेंज के जो रूल्स हैं। तो बेसिकली इन पर्चियों में ना इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखे हुए हैं, तो जिसकी जो पर्ची निकलेगी ना उसको वो इंग्रेडिएंट्स वाले फूड खाने हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, हाँ। जो इंग्रेडिएंट लिखेंगे ना वो चीजें नहीं खा सकते आप डायरेक्टली, मतलब मिर्ची निकली है, हाँ, तो मिर्ची नहीं खा सकते, मिर्चों से बनी हुई चीजें खानी है। और मेरे ख्याल से ना हमने ऑलमोस्ट हर टाइप का इंग्रेडिएंट इसमें डाल दिया हुआ है, तो देखते हैं किसकी किस्मत में कौन सा इंग्रेडिएंट आता है। बस भगवान करे इस पर मैं जीत जाऊं। एक और चीज भाई साहब, एक चीज सब नहीं भूल गए, इसमें होएगा इनाम। जो हारने वाला होएगा ना वो जीतने वाले को देगा इनाम, और जो इनाम की रकम है वो दुगनी की जाएगी। इतना इस बार 20,000 रुपए जीतेगा भाई साहब, हारने वाले को 20,000 का चूना फटका लगेगा। मुझे तो हार्ट अटैक आने लगा हुआ है। तो टाइम आ गया सिलेक्ट करने का पर्ची। तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और निकाल पर्ची इसमें से। आंखें हैं मेरी बंद, भाई आया मेरे दिल की धड़कन, मेरा प्रेम, मेरा प्यार, क्या बात है, क्या बात है। मुक्ति को मीठा पसंद है, इसका चॉकलेट, मुझे चीज पसंद है, मेरी चीज। मैं सच्ची कह रहा हूँ, तेरा और इसका जन्मों का भाई साहब, 7 जन्मों का। अब जरा टाइम वेस्ट ही करते हैं, पकाटा करते हैं और देखते हैं सबसे पहले खाने का मौका किसको मिलेगा। 1 2 3 मैं तो भूखा था, मुझे पीली पीली खाने को मिलेगी। तो दित्य का टाइम होने लगा स्टार्ट। क्या एक्सपेक्टेशन है, पहले क्या खाएगा? एक्सपेक्टेशन जहाँ से मेरी पीरी पीरी की मोहब्बत शुरू हुई थी वो थी पीरी पीरी फ्राइज से। तो मैं भी जाने लगा हूँ पीरी पीरी फ्राइज खाने। मेरा गेम प्लान है दुकान दुकान जाके उनको पूछना आपका पीरी पीरी का कुछ है, क्योंकि मुझे सच्ची में ना 2-3 चीजों से ज्यादा पीरी पीरी की डिशेज याद ही नहीं आ रही। तो बेसिकली आदित्य को पीरी पीरी की जितनी मैक्सिमम आइटम खा सकता है वो खानी है, और जो मैक्सिमम आइटम खाएगा वो होगा विनर। भाई साहब शुरू में जितनी लीड ले सकता हूँ मैं ले रहा हूँ। भाई 5 मिनट हो भी चुके, तुझे हमें ड्राइव करते हुए भाग मिलकर, हाँ मुझे लगता है मराधा वर्कआउट तो ऐसे हो जाएगा, आधी चीजें तो ऐसे पच जाएंगी मेरी भाग भाग के। पहली चीज ऑर्डर कर दी है भाई साहब, स्पीड देख रहे हो लड़के की, 5 to 7 मिनट, 5 मिनट है हमारे पास और चीजें ढूंढने के लिए। भाई पीरी पीरी वाला कुछ है हमारे पास? पीरी पीरी वाला कुछ है? पीरी पीरी में कुछ भी नहीं है भैया, पीरी पीरी वाला कुछ है हमारे पास? चिकन नहीं, वेज में कुछ है? कुछ है ही नहीं पीरी पीरी वाला, मुझे लगा पनीर टिक्का मिल जाएगा, या तो चिकन है पीरी पीरी। पिज्जा देख ले, पिज्जा कहते हैं। एक पीरी पीरी वेज का स्लाइस कर दो, जॉइंट्स वाला। दूसरी चीज जी, ऐसा लग रहा है अगर मैं नॉन वेजिटेरियन होता मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस होते पीरी पीरी। बट आई एम स्टिल इंप्रेस्ड यार, मतलब मुझे नहीं पता था पिज्जा आता है। यहाँ पे स्टोर है वहाँ से देखते हैं पिक पैकेट वाली चीजें पीरी पीरी में क्या क्या आती है। कुछ ना मिले, कुछ ना मिले, कुछ ना मिले, ऐसे लोग ना साथ नहीं देते हैं ये टाइम पे। तो भाई साहब इतनी ज्यादा चीजें मिली है मुझे, मेरी उम्मीद से ज्यादा मिली है। ज्यादा चीजें 17 मिनट होने वाले, और तुमने एक भी चीज नहीं खाई है। पहली चीज तो है भाई साहब प्रिंगल्स, पीरी पीरी केचप, मखाने। ये ऐसी टाइम निकाल दे, बस निकाल दे तू टाइम ऐसे ही। केचप खोल, कट्टे खाने जल्दी कर, इस पर डाल, इसके ऊपर कवर लगा होगा, जानबूझ के धीरे कर रही है, और इसने ऊपर परत भी लगी रहने दी है। मैं अपनी पूरी करता हूँ, खुद ही खोल यार तू। एक चीज मेरी कम्प्लीट हो चुकी है, 2 चीजें हो गई। कैसा है ये पीरी पीरी फ्लेवर? बहुत स्वाद है। टूथपेस्ट, टूथब्रश, लाल दंत मंचन लग रहा है, मैं कोलगेट कर रहा है। कैसे ऐसे स्वाद है पीरी पीरी। 3 चीजें हो चुकी है पूरी। बारी आ गई मेरी फेवरेट चीज की, गरम गरम पीरी पीरी फ्राइज। 21 मिनट पर यार भी तो बड़े स्वाद लग रहे, दिखाइयो। तू नहीं खा सकती, ये सारी के सारे मेरे हैं। और मैं अपने फ्राइज को लेके बहुत पोजेसिव हूँ। भाई साहब कितना ज्यादा चलाक आदमी है, मैकडोनल्ड के पीरी पीरी फ्राइज लेने नहीं गया क्योंकि वो दूर है। हाँ मैं इसलिए नहीं गया, पर ये भी बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, कितने टेस्टी अमेजिंग लग रहे हैं यार, मन कर रहा खा लूं मैं भी। खा लूं पिज्जा, पिज्जा पिज्जा के ऊपर ये डाल के खाइयो। इसमें क्या पीरी पीरी वाला? कसम से बताऊं मुझे इसमें कुछ पीरी पीरी वाला नहीं लग रहा। इस पे सॉस होगी ना नीचे, वो पीरी पीरी की होगी। हां मैं भी सॉस इसमें पीरी पीरी वाली है, जो तू सॉस भी खा रहा था। बहुत अच्छा है, बहुत स्वाद है। जब तक मुझे अगली चीज याद आती है मैं एक्सपेरिमेंट ही कर लूं।
मजा आ गया, जिंदगी सवर गई मेरी तो आज। मुझे तो देखे ना मुंह में पानी आ जा रहा। अगली चीज भाई साहब तेरे 25 मिनट होने वाले हैं। मेरे को पीरी पीरी से और प्यार हो गया आज। हाँ जल्दी कर जल्दी कर, नफरत भी हो जाएगी अगर तू हारा आज। ज्यादा पीरी पीरी खाने के बाद जीव का ये हाल होता है। वो ऐसी सेंटर फ्रेड की फ्रेश की ऐड है, जैसी लीप लप लपाई उसको पीरी पीरी मसाला खिलाओ, जीभें लप लपाएंगी, दिल लप लपाएगा और सुबह सुबह और कुछ भी लप लपाएगा। हाफ टाइम इज ओवर। और मेरे को एक भी और चीज याद नहीं आ रही, मैंने जोमेटो पे भी देख लिया पीरी पीरी बर्गर भी नॉन वेज है सारे रेस्टोरेंट में। गलत बात है, मुझे लगता नहीं कि पीरी पीरी सिर्फ नॉन वेज के साथ अच्छा लगता है यार, वेज के साथ बहुत अच्छा लगता है। नहीं मैं भी जा रहा हूँ 35 सेक्टर और वहाँ मेरे को एक दो शॉप पे लग रहा है कि अच्छा पीरी पीरी का कुछ मिल सकता है। हो चुका है 40 मिनट और ये अब तक क्या कर रहा है? ये 5 चीजें हुए इससे, मैं बता रही हूँ हारने वाला लड़का नहीं है ना भाई। अरे क्या करूँ मैं, दिल तोड़ दिया आज मेरा। अगर मैं हारूंगा मैं अपने प्यार की वजह से हारूंगा। दुकान वालों से अच्छे तो हम हैं जो हर चीज में पीरी पीरी डाल के उसको पीरी पीरी डिश बना देते हैं। सही बात है, सब हम पीरी पीरी सैंडविच, पीरी पीरी मैगी, दुकान वालों को आइडियाज ही नहीं आते हैं, हमसे ले लो आइडिया। भाई साहब बेकार है सारे, पीरी पीरी बर्गर नहीं है, मैं तो ये हरा लूं। सारे पीरी पीरी बर्गर चिकन बर्गर है, पनीर की टिक्की में भी पीरी पीरी डल सकती है, वो बड़ा भागती है उससे। जस्टिस फॉर वेजिटेरियन, हैशटैग जस्टिस फॉर वेजिटेरियन होना चाहिए। टाइम हो चुका है 49 मिनट और जैसे दुख के टाइम पे लोग याद करते हैं ना बाबा जी को, इसने भी बाबा जी को याद कर लिया हुआ है, पर इसका बाबा अलग है, इसका पतंजलि वाला बाबा है। बाबा जी ने इतनी ज्यादा चीजों में आविष्कार किया है ना, शायद पीरी पीरी वाली डिश भी होगी इनके पास। तो भाई साहब इतना बड़ा तुक्का मारा ना मैंने रामदेव के बाबा के स्टोर में आके, और मिल गए भाई साहब पीरी पीरी चिप्स सोया वाले। ये तेरा लास्ट चीज है जो तू खा रहा है आज की, और टाइम भी खत्म हो जाएगा मुझे, और चीज मिलेगी भी नहीं मुझे। भाई 3 मिनट हो चुके हुए हैं, बिल्कुल करारे चिप्स बनाया रामदेव ने। 6 चीजें होगी ना मेरी, हार मान ले। भाई 6 चीजें की भी उम्मीद नहीं थी, मुझे तो ये लगा था 3-4 चीजें होंगी, बट मैंने खींच खींचा के 6 चीजें कर दी हैं। अगली बारी किसकी है? अगली बारी की होगी मुक्ति की। क्यों मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैंने भी खाया सब कुछ नमकीन, मुक्ति का चॉकलेट, तो मेरे को इसके बाद मीठा खाने को मिल जाएगा। तो मुक्ति का टाइम कर रहे हैं हम स्टार्ट। यार ये मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, दो रीजंस की वजह से। चैलेंज तो अपनी जगह, ऊपर से गाड़ी भी पहली बार चला रही हूँ ये वाली। ओ मार ना दियो तू, आगे देख के चला। तूने ये सोचा सबसे पहले क्या खाएगी? मैं ये सोच रही हूँ कि मैं क्या खाऊंगी। मुझे पता ही नहीं मैं क्या खाऊंगी, पर ये पता है कि चॉकलेट में बहुत सारी चीजें आती है, तो मैं पहले किसी दुकान पे रोकती हूँ और वहां से जितनी भी चॉकलेट वाली चीजें मिलेंगी ना सब खरीद लूंगी। आदित्य को तो मैं ऐसे हरा दूंगी, 2-5 मिनट रुक जाएगा। मेरे पास चॉकलेट चलती आ रही है भैया, रुक जाना अभी। देखा भगवान ने मेरे पास रिक्शा ही भेज दी पूरी रेडी। चॉकलेट में कौन कौन सी है? चॉकलेट में बड़ा व्हाइट है, चॉको क्रिस्प है, चॉकलेट कर्नेटो है, चॉकलेट में गोरमेट है। 4 मिनट भी नहीं हुए और मैडम पहली चीज खाने भी लगी है। मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए। लोगों ने वीडियो बंद कर दे रही है, ऐसे बेसुरी है तू। सही बात है, बचपन में फीस बहुत थी, छोटी कर दी ना मैंने फीस। पता क्यों मंगाई? क्योंकि इसके अंदर भी चॉकलेट देती है, उसके बाहर भी चॉकलेट देती है, कि तुम दोनों बाद में ये ना बोले कि तू चीटिंग करती है। इतना दिमाग लगा लिया तूने? एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमारे इतना खर्चा हो रहा है, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। 6.5 मिनट हो गए, इधर आओ, सारे टॉफी निकाल दो आंटी चॉकलेट वाली। ये तो गेम खेल रही है, एक है, एक मैं ले रही हूँ, ये भी निकाल दो। आंटी ने सब कुछ निकाल दिया, चॉकलेट वाला जो जो है, जो जो नहीं बिक रहा आंटी ने वो भी निकाल दिया, सब बिक जाएगा। इतना टाइम तो इसको खरीदने में नहीं लगा जितना टाइम बिलिंग कराने में लग गया। मैं ना अपनी शुरुआत सबसे पहले करने वाली हूँ अपनी फेवरेट चीज से, ब्राउनी। ये ना मेरा बचपन का प्यार था। अच्छा, मतलब मुझे बचपन में कुछ नहीं मिलता था। तो फिर तूने अपने प्यार को छोड़ दिया? हाँ, यहाँ पे तुम्हारा प्यार सामने वीडियो बना रहा है, उसके मुंह पे ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। नहीं यार, बचपन में इतनी ब्राउनी खाई है ना मैंने, ब्राउनी खाई है। नमकीन में खाते थे मोमोज और मीठे में खाते थे ब्राउनी। वो एक स्कूप डाल के यार उस टाइम पे इतनी फ्रेश नहीं मिलती थी, बहुत फ्रेश है देख। मिलती नहीं, वो तो दुकान के ऊपर है। ओ भाई साहब, गर्मी की वजह से सॉफ्ट है। कितना महीना गर्मी होगा, कितनी खुशी हो रही है। दो चीजें हो चुकी हैं इसकी 14 मिनट में। तीसरा है हमारे पास चॉकलेट वेफर। मैंने इतना पतला वेफर ना जिंदगी में नहीं देखा। सच्ची में बहुत पतला। इतना पतला वेफर क्यों? डाइट पे है ये, डाइट पे है। तेरी तरह होगा ये। वेफर ना लंबे लंबे होते हैं, इन्होंने डब्बे डब्बे से बना रखे हैं। तू खा ले पहले, तेरा चैलेंज है। 15 मिनट में मैंने 3 चीजें खा ली, भी और पड़ी है। रुको, मुझे सच्ची में लग रहा है ये जो दुकान थी ना स्पेशलाइज करती है चॉकलेट वाली आइटमों में। इतनी वैरायटी है ये दुकान से ली तूने? बच्चों की दुकान नहीं होती है, बच्चे यही आते हैं। चौथी चीज बहुत ही ज्यादा महंगी है, ये है टॉफी। और एक एक टाइम पे 1 रुपए की मिलती है, 2 रुपए की होगी। इसका नाम चॉको लेयर्स है, बचपन में इक्लेयर्स के नाम से आती होती थी और इतनी ज्यादा खाई है ना ये, इतनी खाई है। स्पेशली बर्थडे पे बांटने में यार यही वाली हिट होती थी। इसके अंदर चॉकलेट की फीलिंग होती है यार।
मैंने पहली बार जिंदगी में टॉफी ऐसे तोड़ी होगी। मेरे ख्याल जिंदगी में पहली बार किसी ने तोड़ी होगी। एक हैक पता कर लिया आपने, अगर आपकी टॉफी छोटी है ना उसको बड़ा करना है, ऐसे खींच दो, ऐसे कर लो, दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अच्छे से। आदित्य को टक्कर देते हुए अगली चीज आ गई है मेरी पार्क डेंटेसी, डार्क फैंटेसी। उल्टा हो गया था, डी की जगह एफ लगा दी थी, एफ की जगह डी लगा दी। पर तुम ये नहीं बोल सकते थे मैंने कोई भी चीज रिपीट की है। ये तो कॉम्प्लीमेंट करने वाली बात है। ये कर सकती है, मैं नहीं कर सकता था। डार्क फैंटेसी मैंने क्यों लिया? क्योंकि तेरी चॉकलेट आई हुई है इसलिए लिया। क्योंकि बाहर से भी चॉकलेट है और अंदर से भी चॉकलेट है भाई साहब। ये स्पेशल चीज है। दुकान पे ये पहुंच चुकी थी 5 मिनट में, 19 मिनट होने वाले, खाने में इतना टाइम लगा रही है। ये पता है ना इसके बाद चीजें बहुत है करने का। ये देखो, ये देखो, गर्मियों में एक चीज का फायदा कि आपको ना कुकीज को इन सब चीजों को गर्म नहीं करना पड़ता और इतने सॉफ्ट और अमेजिंग लगता है ना। आदित्य और मुक्ति का हो चुका है ड्रॉ, मतलब मुक्ति ने 20 मिनट में ड्रॉ कर दिया हुआ है और अब इसको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक और चॉकलेट खानी है और फिर आदित्य से तो जीत गई। 30 मिनट हो चुके हुए और मुझे पता क्या लग रहा है, मुक्ति ने बहुत बड़ी गलती कर ली है कि इंस्टेंट वाली चीजें पहले खा ली है और अब जाके ऑर्डर प्लेस करेगी। देखना चॉकलेट में इतने सारे शेक्स हैं, डार्क लॉर्ड कर लेती हूं। जब तक मीनवाइल मेरा चॉकलेट शेक तैयार हो तब तक मैं सोचू कि मैं ऑर्डर करूं ये डोनट। आइटम नंबर 7 है हमारे पास, ये चॉकलेट मूज। और यार ये कितना मजेदार लग रहा है यार, देखने में सच्ची बड़ा है यार। मुक्ति तू लिटरेट कब से होगी, सीधा उठा। कई बार तमीज से खाना पड़ता है तेरे भी। ये अंग्रेजों की चीज है, हम अंग्रेजी तरीके से खाएंगे भाई। भाई साहब चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, फैंसी जमाई फैंसी। ये तो जमाई मुंह में पानी लेके आने वाली चीज है। वैसे ना ओंकार थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं इतनी देर से ये सोच रही थी कि चॉकलेट ब्लैक कलर की होती है, चॉकलेट तो व्हाइट में होती है। थैंक यू सो मच। ये लो आपकी व्हाइट चॉकलेट मैम। हाँ। सुंदर सी। इसमें वैसे व्हाइट फॉरेस्ट भी था बट मैंने सोचा ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कितना टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। फैंसी हुई है उसको। एंड गल बात भाई साहब, ये जितने लोगों को भी ब्लैक से ज्यादा व्हाइट चॉकलेट पसंद है ना, पहले कमेंट करके बता दो, बिकॉज मुझे पर्सनली व्हाइट चॉकलेट बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। पसंद है पर इसको पता नहीं था कि व्हाइट चॉकलेट एग्जिस्ट करती है। गरम की हुई है, अच्छी लग रही है। बेस्ट सच्ची में बहुत स्वाद है। जब तक मेरा शेक प्रिपेयर हो रहा है ना, मैंने एक चीज पहले से संभाल के रखी थी, वो है चॉकलेट M&M जो कि मैंने अब तक खाई नहीं है। जेम्स का बड़ा भाई है। अच्छा जेम्स का बड़ा भाई है। बोल रहे थे जो रिश्तेदारी पता होती है। अच्छा ये मेरे ताई का लड़का है। ओहो मुझे तो पता ही नहीं था। ओहो हो गर्मी में मेल्ट हो चुकी है, टूट चुकी है, बस इतने से पीस निकले। 9:10 आ रही है मेरी चीज। मुक्ति के ना 40 मिनट हो चुके हुए हैं, इसके बाद इसने कोई ऑर्डर दिया भी नहीं हुआ। अब मैं जा रही हूँ, मेरे दिमाग में है भी कुछ, ये है वूडू चॉकलेट शेक, पता नहीं कौन सा शेक है। कौन सा शेक? लकड़ पाती है ना बेचारे। इन्होंने इसके अंदर ना बादाम बदूम डाले। वो भाई साहब फटाफट खाती हूँ, बस टाइम ज्यादा नहीं है। पूरा थिक शेक होता है यार इनका, मतलब की ऐसे होता है की जमा गाढ़ा दल दल, शब्द नहीं है इसके पास। गुंगी हो गई है ये। सिर्फ 16 मिनट बचे हैं मुक्ति के पास और पता नहीं है क्या क्या खाएगी अब। मैं खाऊंगी अभी चॉकलेट पान भाई साहब, और उसके बाद ऐसी चीज खाऊंगी तुमने जिंदगी में नहीं खाई होगी और ना सोची होगी। ये पान तो लग नहीं रहा किसी एंगल से, ऐसा लग रहा है तू लड्डू ले आई है। खाया हुआ है, तुमने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है ज्यादा बड़ा। अरे बात ये भी सही है। ये हमने खाया था उस वीडियो में जिसमें हमने सिर्फ चॉकलेट खाई थी सारा दिन, और भाई साहब उस वीडियो में हमने इतनी चीजें नहीं खाई जितनी ये एक बारी में एक घंटे में खा चुकी है। अगली चीज, तेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ, तब तक मैं यहाँ पे गुस्तू की से दुकान के अंदर देखती हूँ कुछ और चॉकलेट वाली चीज मिलती है। मैं कह रहा हूँ कार को हराना है तुम्हें। मैं इसको हरा के हटूंगी। घर का पैसा घर में रहना चाहिए, पैसा घर पे आना चाहिए, उस घर में नहीं जाना चाहिए। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मेरा वो तैयार नहीं हो पाएगा ऑर्डर, तो मैंने 2 चीजें और ली। मैंने लिया ये आलमंड चॉकलेट मिल्क सोया मिल्क। नहीं लिया था, लिया है बाद में पड़ रही है। क्या लिया था? 12th है। ये क्या लाइए तुम्हें? ये है पॉपकॉर्न चॉकलेट फ्लेवर। इतना गंदा है ये। देखना कैसा है, अच्छा है पॉपकॉर्न चॉकलेट फ्लेवर यार। कैरेमल, ओह नाइस, आई लाइक इट ऑलरेडी। हाँ व्हाइट चॉकलेट भी है भाई इसके ऊपर। जो कैरेमल पॉपकॉर्न की बात है ना उसकी रेस कोई नहीं कर सकता, कंपेयर नहीं कर सकती। कैरेमल पॉपकॉर्न बेस्ट है ये, ठीक है, मतलब नाम के लिए चॉकलेट है पर मजा नहीं आया। मेरी हो चुकी है टोटल 13 चीजें और मेरी एक चीज पड़ी है, मेरी 14 चीजें हो जाएंगी। टाइम सिर्फ 4 मिनट बचे, 4 कहां 3 रह गए। ये देख टाइम इसका खत्म होने वाला है, पिज्जा इसका आया नहीं है। 30 सेकंड रह गए, 30 सेकंड। ये देखो ये रहा पिज्जा और ये रहा मेरा मुंह, ये देखो 10 सेकंड और टाइम। ओ भाई साहब पूरे टाइमिंग पे वैसे तो हो चुका है पूरा टाइम, पर मैं आपको अच्छे से तसल्ली से दिखाना चाहती हूँ कि ये कितना टेम्प्टिंग है यार। ये है चॉकलेट पिज्जा
पर मैं जो मर्जी कहूँ मुक्ति की तारीफ करनी पड़ेगी, मुझे लगा नहीं था ये आखिरी चीज खा पाएगी। मुझे भी नहीं लगा था, मुझे खुद नहीं लगा था। और मुझे लगा वो जो मैडम पैकेट में दे रही है वो केक है किसी का, और जब उसने बोला ना मैम आपका ऑर्डर हो गया, मैंने कहा शिट अभी 30 सेकंड पड़े थे बस। तो कार का टाइमर शुरू होने वाला है अब। ओ भाई साहब मुक्ति देना मुझे ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन के लिए राइस कर दिया। मुझे सच्ची नहीं उम्मीद थी कि मुक्ति इतना कुछ खा लेगी। और दूसरी बात ये मेरे साथ जो ज्यादा चैलेंजिंग चीज होने वाली है, शाम का टाइम हो गया, ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पिछली बार मेरे को शाम का टाइम मिला था, बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए, बट चैंपियन करके दिखाएगा। 5 मिनट तो तूने ड्राइविंग में वेस्ट। अब मेरी स्ट्रेटजी देखो, पहले मैंने प्लेस करना सारा ऑर्डर, ऐसा करो वो ही कर दो चिकन एंड चीज। एक ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ, दूसरे की बारी आ गई, एक कर दो तीसरी चीज। स्ट्रेटजी देख रहे हो, स्ट्रेटजी पहली चीज उंगली के मुंह में जाएगी 17 मिनट के बाद। चीज के नहीं ज्यादा टेम्पटिंग है ना, चिकन एंड चीज फ्राइज। ये बताओ पहले तो जो आदित्य ने पीरी पीरी खाया वो ज्यादा अच्छा था या ये ज्यादा अच्छा? यार मसाले वाली चीज है ज्यादा अच्छी लगती है ना? इसको खत्म करके आपको दिखाता हूँ और चीजें। हमारी दूसरी चीजों को लग रहा है टाइम, तब तक एक मैं खाने लगाऊं ये चीज बॉल और ये पॉपकॉर्न चीज फ्लेवर है, देख ले पढ़ ले। थैंक गॉड, मैं कब से सोच रही थी ये कब खाएगा, मुझे तो लगा तू भूल गया। ओए होए होए, बचपन में इतने ज्यादा खाए है ना ये। और अगर आपने बचपन में खाया है या अभी तक खाते हो वीडियो को लाइक कर दो यार। अगर आपका बचपन चला आप खाते हो तो लाइक कर दो। ये ऐसी चीज है मुंह पे लग जाए ना छूटना बहुत मुश्किल है। पॉपकॉर्न यार कुरकुरे वालों ने बहुत ही बढ़िया चीज निकाल लिया ये। सीरियसली मैंने पहली बार खाया वाज लाइक मजा आ गया, सच्ची में मजा आ गया। ओए होए होए, अब आपको दिखाते हैं मेन एंड गल बात वाली चीज, मैक्सिकन कढ़ाई है भाई मैक्सिकन। तू बोलेगी रोटी, रोटी नहीं है ये, चीज फिल्ड कैसे दी है साहब। इसके अंदर चेक करो जरा चीजो चीज। ओहो राजमा लगे हुए खा ले। इसी की जगह तुम इंडियन पराठा खा लेते ना, चीज पराठा मजा आ जाता है, जिंदगी बन जाती तुम्हारी। सजेशन अच्छा दिया पर वो बनता घर पे है। डोमिनोज वाले इतने ज्यादा बेवकूफ है ना, मैंने उनको बोला था एक चीज गार्लिक ब्रेड, उन्होंने दो कर दी और पैसे भी दो के ले लिए। मुझे तभी लग रहा था पे करते वक्त ज्यादा पे कर रहा हूँ। इवन दो आई लव डोमिनोज बट ये वाली चीज डोमिनोज की बहुत बेकार थी। ये तो बर्गर लग रहा है। इवन दो ये बर्गर कैटेगरी में नहीं है बट चीज बड़ी बढ़िया। ये चीज है बहुत बढ़िया क्योंकि इसमें चीज है। ये चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये चीज बड़ी है मस्त। 27 मिनट, आधा घंटा होने वाला, वेरी स्लो। ओए बोल चीज का है, चीज अंदर है इसके और का। मुझे लगा इतनी गवार होगी तो ये भी नहीं पता होगा। ये चीज फूल है ना, सबसे बेस्ट चीज लगती है। बहुत ज्यादा गर्म है। थोड़ा ठंडा करके खा के फिर आपको बता दूं नेक्स्ट यार। और ये खाते ही कार में से जीत जाएगा। और ये है मोमोज, ऊपर चीज की लेयर है इस पे, सच्ची बहुत स्वाद लग रहा है। ये वेज है ना? वेज है। समझे मैं तो हार ही गया हूँ, अब मुझे ये देखना है मुझे ओंकार को पैसे देने हैं, मुक्ति को देने। भाई साहब बहुत बढ़िया चीज है, कोई चटनी चुटनी में डुबोने की जरूरत ही नहीं है इसको, पहले डुबा हुआ है। हाँ पूरी चीज सॉस है ये। ओ भाई से कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। अगली चीज भी मैंने ले ली है, इसके ऊपर जो आप लेयर देख रहे हो ना ये, भाई साहब ये पूरी चीज ही चीज है। मतलब मैं कोई नॉर्मल ड्रिंक नहीं पी रहा हूँ, मैंने पहली बार देखा ड्रिंक के ऊपर चीज की लेयर। इसको पीने का तरीका पता क्या है, पहले ये ढक्कन लगाना है ऊपर, लगाने के बाद करना है, अब एंजॉय करेंगे। कैसा है भाई साहब? ये है मोइटो विद चीज, बिल्कुल अलग चीज, बिल्कुल ही अलग चीज। महंगा है पर आज मैं 20,000 जीत रहा हूँ तो चलता है। अगर बात हो रही है चीज की और चीज नान विद ग्रेवी ना आए, ओहो भाई चीज नहीं चीज, ये तो पनीर है भाई। पनीर को कहते हैं कॉटेज चीज और इसका नाम डिश का है चीज नान विद ग्रेवी। मतलब जब ये खुद चीज नान विद ग्रेवी कह रहे हैं तो तू कौन होता है बीच में चै चै करने वाला? खेल गया लड़का ये। और पैसे दे के हो जाएगी इसकी पैंट गीली और ढीली, और ढीली जरूर हो जाएगी, गीली का पता नहीं। उगाड़ी हो गई भाई 10 चीजें, 42 मिनट्स, 18 मिनट लेफ्ट इन दिस चैलेंज। चीज वाले नैचोस डोरिटो 11 नंबर, मुझे सच्ची नहीं पता था चीज फ्लेवर के भी मुझे वेफर मिल जाएंगे। पतले डाइटिंग वाले कितनी चीजें होगी? 13 चीजें। चीज लिंग लिंग या पुलिंग? चीज लिंग। लिंग ना पुलिंग, हम खाएंगे चीज लिंग। वाह टंटड़ा, कितना टाइम रहता है? 55। ये जो चीज है ना इसके अंदर चीज है। इस चीज को खाने के बाद ना ओंकार मेरा टाई हो जाएगा, हो गया। इसको आप चीज शॉर्ट्स कह लो, मिनी कीव्स कह लो, मजा नहीं आया। काफी नाम है, ये चीज पुली नहीं हुआ इसमें, पता नहीं कौन सा चीज है। चीज तो है ना, चीज है। एक चीज और रहेगी ओंकार भाई, क्या खाने वाले? मैंने विक्ट्री के लिए बजा के रखी एक चीज। क्या वो वही चीज है जो मैं सोच रही हूँ? ये वही चीज है जो मेरे ख्याल ऑलमोस्ट हर कोई सोच रहा है, वो है चीज केक। ये है ब्लूबेरी चीज केक।
आइटम नंबर 15। ओह इतनी ज्यादा स्वाद है ना, मुंह में जाकर पिघल रही है। ये ओंकार अपनी खुशी में खिला रहा है, आदित्य तू भी खा ले, अपने हार का जश्न मना ले। आजा 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 आजा। मेरे पैसे हैं ये कमाए हुए मेहनत से। इधर ला, इस बार ये की विदर है जो की हूँ मैं। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, क्या बात है। अरे एक चिप्स के पैकेट के पैसे तो दे दो मुझे। नवाब साहब को सलाम फोको। जब पैसा आ जाता है ना आदमी के पास तो वो बाकी लोगों को भूल जाता है, अपने दोस्तों को भूल जाता है। ये अपने भी क्यों मारा तुमने? तू तो हमारे घर बेल पे था, तुम पे मारने झोंके हो तो मेरे 500 रुपए बच गए। तो इसी के साथ जो वीडियो वो करता है खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना, रीति रिवाज पूरे करने और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।